अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई खबर टू देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से जो है वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूएई की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो क्या हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं और आप ये छोटी सी गलती करते हैं तो इसके बारे ऊपर आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को जो है बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना है ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात कर लें करोना वायरस को लेकर। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत सेहत की जानिब से यूएई भर में करोना के 1672 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से ठीक होने वालों की तादाद 1630 है। इसके अलावा दोस्तों, जो डेथ हुई है, 4 लोगों की डेथ भी हुई है आज के दिन में। नए केसेस 2,24,002 नए टेस्टों की सूरत में सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि अब तक यूएई में 48 मिलियन से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले से जो है हालात अब काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यूएई गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार लाजमी से करते रहें। अब बात कर लें यहाँ पर भारत की फ़्लाइटों की, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूएई गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि अगर आप भारत से यूएई आना चाहते हैं तो किसी दूसरी कंट्री में जाकर आपको वहाँ पर जो है क्वारंटीना में रहना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप ट्रैवल कर सकेंगे। अगर आप डायरेक्ट भारत से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट फ़्लाइटें अभी स्टार्ट नहीं होने वाली, बहुत लेट स्टार्ट होंगी, 1 जून से भी स्टार्ट हो सकती हैं या फिर जो है दोस्तों जुलाई में भी स्टार्ट हो सकती हैं। इसकी कोई भी फ़ाइनल अपडेट नहीं आई। इंशाल्लाह जैसे ही कोई फ़ाइनल अपडेट आएगी तो आप दोस्तों को लाजमी बता दिया जाएगा। फिलवक्त की जो दोस्तों अपडेट आ रही है वो यही है कि अभी तक कोई भी फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं होने वाली। जितने भी भारतीय ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, और पाकिस्तान की भी अभी फ़्लाइटें कोई भी ओपन नहीं होने वाली और ना ही बांग्लादेश की होने वाली हैं। तो दोस्तों, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।